हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वो बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने 30 डेज का एक छोटा सा कोर्स लॉन्च किया है, जहां पर हम रोज 5 मिनट इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करते हैं, राइट? तो सबसे पहले आज का हम क्वेश्चन ले लेते हैं। आज का क्वेश्चन है, मैं बैंक में काम करता हूँ, इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? कमेंट करके बताइए। ये इसकी इंग्लिश मैं आपको कल की क्लास में बता चुकी हूँ, ठीक है? तो फटाफट से कमेंट करिए। और सपोज अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चैनल पे नए हैं, आपने वीडियोस नहीं देखी है तो इन सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं जो भी आपका मिस हुआ है, ठीक है? होप अभी तक आपने कमेंट कर दिया होगा। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, इससे आपकी आंखें खराब होती हैं, ठीक है? जैसे आपको किसी को कहना है, बच्चे को कहना है या किसी को भी कहना है कि भाई टीवी देखने से या बहुत मोबाइल चलाने से इससे आपकी आंखें खराब होती हैं, तो कैसे कहेंगे आप? इट र्यून्स योर आईज, इट र्यून्स योर आईज, इट र्यून्स योर आईज, ठीक है? अगला सेंटेंस ले लेते हैं, आज बहुत ज्यादा गर्मी है। अब इसे हम कैसे कहेंगे? इट इज वेरी हॉट टूडे, इट इज वेरी हॉट टूडे। साथ में प्रैक्टिस करिए, इट इज वेरी हॉट टूडे। पहले आप थोड़ा 5 मिनट ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, 10 मिनट ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन रोज कर रहे हैं तो ये बहुत इम्पैक्टफुल होता है, ठीक है? अगला सेंटेंस है, आज कड़कड़ाती ठंड है या फिर आज कड़ाके की ठंड है, इसे कैसे कहेंगे आप? इट इज बिटर कोल्ड टूडे, इट इज बिटर कोल्ड टूडे, इट इज बिटर कोल्ड टूडे, ठीक है? अगला सेंटेंस ले लेते हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। एक्चुअली मैं यहाँ बाहर सही में ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो इसे अब इंग्लिश में मैं कैसे बताऊंगी आपको? अ कूल ब्रीज इज ब्लोइंग, अ कूल ब्रीज इज ब्लोइंग, ओके? अ कूल ब्रीज इज ब्लोइंग, इससे क्या हुआ? बारिश ने मौसम को खुशनुमा कर दिया है। एक्चुअली में इट इज रियली रेनिंग हैवी, ओके? आउटसाइड बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, तो और मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? द रेन हैज मेड द वेदर प्लीजिंग, द रेन हैज मेड द वेदर प्लीजिंग, द रेन हैज मेड द वेदर प्लीजिंग। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है, लग रहा है मैं बहुत फास्ट कह रही हूँ, तो आप पॉज करके इसको रिपीट करके सुन सकते हैं। बहुत दिनों से आपको देखा नहीं, बहुत दिनों से आपको देखा नहीं, इसे कैसे कहेंगे? लॉन्ग टाइम नो सी यू, लॉन्ग टाइम नो सी यू, लॉन्ग टाइम नो सी यू, ठीक है? अगला सेंटेंस ले लेते हैं, माफ कीजिएगा मुझे थोड़ी देर हो गई, अब इसे कैसे कहेंगे? Sorry, I got a little late. Sorry, I got a little late. Sorry, I got a little late. सेंटेंस लेते हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं, अब इसे कैसे कहें? आई एम फीलिंग डिजी, आई एम फीलिंग डिजी, आई एम फीलिंग डिजी, ठीक है? सेंटेंस ले लेते हैं, आज उमस बहुत ज्यादा है, अब इसे कैसे कहेंगे? इट्स वेरी ह्यूमिड टुडे, ठीक है? ह्यूमिड कहते हैं, उमस, नमी भरा मौसम हो ना, उसे ह्यूमिड कहते हैं। So it is very humid today. It is very humid today. It is very humid today. ठीक है? अगला ले लेते हैं, टीवी ऑन रहने दो, इसे कैसे कहेंगे? कीप द टीवी ऑन, कीप द टीवी ऑन, इजी है, कीप द टीवी ऑन। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, बहुत ज्यादा टीवी देखना तुम्हारी आंखें खराब कर सकता है। वापस आ गई आंखें खराब करने वाली बात। आंखें खराब करने को मैंने आपको बताया था, खराब करना क्या होता है? र्यून होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? वॉचिंग टीवी टू मच में र्यून योर आईज, वॉचिंग टीवी टू मच मतलब बहुत ज्यादा टीवी देखना, वॉचिंग टीवी टू मच में र्यून योर आईज, र्यून मतलब खराब करना, ठीक है? सो वॉचिंग टीवी टू मच में र्यून योर आईज। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, बहुत पास से टीवी देखना तुम्हारी आंखें खराब कर सकता है। अगेन सेम सेंटेंस है, लेकिन उसमें हम क्या कह रहे हैं? बहुत पास से टीवी देखना, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? वॉचिंग टीवी टू क्लोज, ठीक है? सो वॉचिंग टीवी टू क्लोजली में र्यून योर आईज, इजी है, वॉचिंग टीवी टू क्लोजली में र्यून योर आईज। लेते हैं, मुझे ये धारावाहिक देखना बहुत पसंद है, लेकिन आप कह रहे हो नहीं भाई मुझे तो ये सीरियल देखना बहुत पसंद है, इसे हम कैसे कहेंगे? आई लव टू वॉच दिस सीरियल, आई लव टू वॉच दिस सीरियल, आई लव टू वॉच दिस सीरियल। लेते हैं, पंखा तेज चल रहा है, अब आप बात को घुमा रहे हैं, आंखें नहीं खराब हो रही भाई, पंखा तेज चल रहा है, तो इसे हम कैसे कहेंगे इंग्लिश में? द फैन इज रनिंग फास्ट, द फैन इज रनिंग फास्ट, द फैन इज रनिंग फास्ट, ठीक है? ये पंखा चलते समय आवाज कर रहा है, आप बातें बना रहे हैं, आप कह रहे हैं ये पंखा चलते समय आवाज करता है या कर रहा है, तो इसे हम कैसे कहेंगे? दिस फैन इज मेकिंग अ लाउड नॉइज वाइल
रनिंग, दिस फैन इज मेकिंग अ लाउड नॉइज वाइल रनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, ये अब पूछना है कि आवाज क्यों कर रहा है। मान लीजिए आपको पूछना है ये आवाज क्यों कर रहा है, उसे कैसे पूछेंगे, व्हाई इज इट मेकिंग अ नॉइज, व्हाई इज इट मेकिंग अ नॉइज, ये आवाज क्यों कर रहा है, व्हाई इज इट मेकिंग अ नॉइज, बाहर से भी नॉइज आ रही है। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, इसे ठीक करवा दो। अब क्या कहेंगे, नॉइज आ रही है तो क्या करना पड़ेगा, ठीक करवाना पड़ेगा, गेट इट रिपेयर्ड, गेट इट रिपेयर्ड, गेट इट रिपेयर्ड, ठीक है। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, मेरे मोबाइल की स्क्रीन टूट गई है, इसे कैसे कहेंगे, माय मोबाइल स्क्रीन इज ब्रोकन, माय मोबाइल स्क्रीन इज ब्रोकन, माय मोबाइल स्क्रीन इज ब्रोकन। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, मैं इसे ठीक करवाऊंगा, तो आप क्या कहोगे, हाँ मैं इसे ठीक करवा दूंगा, कैसे कहेंगे, आई विल गेट इट रिपेयर्ड, आई विल गेट इट रिपेयर्ड, आई विल गेट इट रिपेयर्ड। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, इससे बढ़िया तो नया मोबाइल ही ले लो, क्या बार बार बनवाओगे, है ना, तो उसके लिए क्या कहेंगे, इसे बढ़िया तो नया मोबाइल ही खरीद लूंगा, तो उसे कैसे कहेंगे, बेटर देन दिस आई विल बाय न्यू मोबाइल, बेटर देन दिस आई विल बाय न्यू मोबाइल, ओनली ओनली इंडियंस यूज करते हैं, ठीक है, इंडियन जो हम इंडियंस हैं वो ओनली वर्ड का ज्यादा यूज करते हैं सेंटेंस के लास्ट में, तो मैंने लिख दिया है, बेटर देन दिस आई विल बाय न्यू मोबाइल ओनली, बेटर देन दिस आई विल बाय न्यू मोबाइल ओनली, ओके। सो ये रहे आज के हमारे 20 सेंटेंस, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और जैसा मैं रोज कहती हूँ प्रैक्टिस करिए, मिरर के सामने बोलिए, जहाँ मौका लग जाए वहाँ बोलिए, एक बार गलत होगा कोई बात नहीं, बार बार बोलिए और आप बहुत अच्छे से बोलने लग जाएंगे। आप देखेंगे कि जब आप सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने का कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, एक बार बोल रहे हैं, दो बार, तीसरी बार आपका जो माइंड है वो आपकी हेल्प करने लगेगा, आपके माइंड में ही वो इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश सेंटेंस और इंग्लिश वर्ड्स ही आएंगे, ठीक है, तो प्रैक्टिस करिए, एंड होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कल मिलते हैं, ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।